What's up guys, welcome back to my channel। सबसे important video आप सभी बच्चों के लिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया का entrance test देने जा रहे हो, because आज 24 अप्रैल है, कल 25 अप्रैल या परसों 26 अप्रैल से एंट्रेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे जामिया के। पीजी यूजी बहुत डिफरेंट है, जो मेन एंट्रेंसेस है जिसके लिए मैं प्रिपेयर करता था, लाइक बीबीए, बीकॉम, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स या फिर सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब थोड़ा लेट है, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आज से शुरू हुआ। मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा ना बच्चों उनको भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना, ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए कि पेपर को अटेम्प्ट करने का यही सही तरीका है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त 90% बच्चे, जामिया में लाखों लोग अप्लाई करते हैं ना, सिर्फ 50-60 सीटें होती हैं, उतने ही बच्चे पहुंच पाते, उसमें भी बहुत सी कट ऑफ आती है, नहीं होते बच्चे सिलेक्ट। क्यों नहीं होते? 90% बच्चों को नहीं पता है किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। आप 100 क्वेश्चन 90 मिनट में कैसे करने वाले हो, मतलब उसका जो मेन बवाल है कैसे सॉल्व होने वाला है, उसको मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जरूर 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 जाकर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी। लगभग सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर जामिया जिसको मैंने जनरल टेस्ट के नाम से कराया, बिकॉज सीयूटी का जनरल टेस्ट और जामिया के एंट्रेंस का सिलेबस सेम रहता है, तो आप जगह कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं कि भैया आप क्या बताने वाले थे, आपने कहा था कि कुछ ट्रिक दूंगा, कुछ तरीका बताऊंगा, बहुत चीजें कह रहे थे, तो हाँ जी हाँ सारी चीजें आज मैं बता रहा हूँ। आज की वीडियो को स्टार्ट कर, सबसे पहली बात, मुझे सेकेंड अटेम्प्ट क्यों देना पड़ेगा जामिया एंट्रेंस का, बिकॉज मेरी क्वांट्स तो पहले से ही अच्छी थी और रीजनिंग वगैरह भी अच्छी थी, और जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत करके पहली बार में निकल जाना चाहिए था। मैं अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था बच्चों, बहुत ही बड़ा ब्लंडर जिसे कहते हैं, मुझे तरीका ही नहीं पता था पेपर को अटेम्प्ट करने का, मैं को सेकंड टाइम देना पड़ गया जामिया का एंट्रेंस, बिकॉज मुझे आते हुए क्वेश्चंस मैं छोड़ के आया हूं। मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके घर चला आया था, 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, 60 कट ऑफ आई थी, मैंने अटेम्प्ट ही 65-70 किए थे, तो कहां से क्लियर होगा, कुछ तो गलत होगा ना आपका भी, तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। 90% बच्चे जामिया के पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे को 50% सिलेबस जिसने किया है ना वो भी एंट्रेंस को निकाल सकता है। अभी अभी कूदे हो ना इस लड़ाई में, आज से 15 दिन बाद पेपर है, आप भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मैं बताने आ गया हूं। तो आज की वीडियो में सबसे पहली बात कर लेते हैं किस तरह से पेपर डिवाइडेड है। थोड़ी सी वीडियो 5 से 10 मिनट लंबी हो सकती है, बट प्रॉपर ढंग से एंड तक सुन के जाना, अगर हेल्प ना लगे तो लाइक करके तो कमेंट करना, और हेल्प लगे तो लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। तो बात कर लेते हैं पेपर डिवाइडेड किस तरह से होता है। इन जनरल जामिया के सारे पेपर्स 4 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश। ये होता है बीबीए बीकॉम का, या फिर जिन सिलेबस में मैथ्स होता है, बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए या फिर सोशियोलॉजी वालों के लिए, उन सब में क्वांट्स नहीं होता है। तो रीजनिंग जनरल अवेयरनेस भर देते हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर काफी भर देते हैं, और इंग्लिश होती है, तो यही डिविजन है। तो पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनके पेपर में क्वांट्स आने वाली है, आपके लिए बात होगी, और सुनो बच्चों जिनके में नहीं आने वाली वो भी सुनो अभी इस बात को, क्वांट्स जस्ट खत्म होते ही बताऊंगा जनरल अवेयरनेस कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात करें जिनके लिए पेपर में क्वांट्स रीजनिंग दोनों आती है, उनके लिए टफ ज्यादा है ना, तो बात करते हैं कैसे अटेम्प्ट करना होता है। देखो बच्चों जनरल अवेयरनेस आनी है 40% पेपर का, 40% जनरल अवेयरनेस होता है, यानी 100 का पेपर है तो 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी 20 की इंग्लिश, 20 का मैथ्स आएगा, क्वांट्स आएगा। बच्चे सोचते हैं स्टैटिक जीके बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, यानी बहुत बड़ा वेटेज है, तो सबसे पहले वही किया जाएगा, विच इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू व्हाइल अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पहले टाइम जो है सारा का सारा स्टैटिक जीके को देंगे, उसमें अच्छे से दिमाग लगा के फोकस होकर सोचेंगे तभी सही होगा, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, मत करना ये गलती, यही मैंने करी थी, ये मत करना। अब सुनो तो भैया मैथ्स को पहले करते हैं, शायद वही पेपर को पार करा दे, वो भी द बेस्ट पॉसिबल वे नहीं, आप कर सकते हो, बट उसमें भी चांसेस है कि मैथ्स में आप इतना टाइम वेस्ट कर दो अगर पेपर छूट जाए, वो नहीं करना होता है। सबसे पहले अटेम्प्ट करने की चीजें होती है रीजनिंग या फिर इंग्लिश। ध्यान रखना बच्चों टाइम को डिवाइड करना, 1 घंटा 45 मिनट का टोटल पेपर होता है, मान लो उसमें से 15 मिनट आपकी रीडिंग टाइम होती है, जो बच्चा रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर गया पेपर उसका क्रैक है। मेन पेपर का जो मेन जो क्रैक करने वाली जो लाइन आती है ना, ये पेपर को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे पेपर को वहीं पर सॉल्व कर दिया, वो होता है रीडिंग टाइम में कैसे उसको यूटिलाइज करना है, सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है। तो अब भैया रीडिंग टाइम में क्या करना है,
रीडिंग टाइम में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मान लो रीजनिंग के क्वेश्चन है जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ट्रिक आपको सोचनी पड़ेगी, वो पढ़ लो। या फिर इंग्लिश के अगर कोई कॉम्प्रिहेंशन वाइज लंबे क्वेश्चन है या रीजनिंग के लंबे क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लो, या एक आधा बार मैथ्स की रीडिंग लगा लो। स्टैटिक जीके बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा अगर आप उसमें पढ़ो रीडिंग टाइम में, बिकॉज बच्चों होता क्या, मेरा सजेशन ये रहेगा स्टैटिक जीके एंड में करना, एंड इन सेंस ये नहीं आखिरी 15 मिनट में, नहीं 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 ब्रेकेज ऐसा नहीं है, इन चारों में से अगर करना ही है तो एंड या सेकंड एंड में करना। बिकॉज क्या होता है स्टैटिक जीके में क्या है ना, या तो आपको आएगा या आपको नहीं आएगा, सोचना नहीं पड़ेगा ना बहुत ज्यादा कि बैठ के याद करता हूं महात्मा गांधी ने मूवमेंट कब करी होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, आपको या तो याद होगा आपको नहीं याद होगा। उसमें 10 से 15 सेकंड लगता है एक क्वेश्चन करने में, एकदम मक्खन की स्पीड से होता है। कब होगा, अगर आप एंड में करोगे बस दिमाग भी बहुत तेज भाग रहा होता है उस टाइम पे, है ना, स्टार्टिंग में आप रिलैक्स होगे, हर क्वेश्चन में 2 बार डाउट करोगे अपने आपको, काट के फिर सही करोगे, टाइम वेस्ट कर जाओगे और गलत भी कर जाते हैं, जब डबल डाउट करते हैं ना अपने आपको तो आप गलत कराते हो, सही को काट के गलत कर देते हो, ये बहुत से बच्चों की मिस्टेक करते हैं, आप सब समझ भी रहे होंगे, आपने पहले भी किया होगा। तो करना क्या है, स्टैटिक जीके को जो एंड में रखना है, ताकि आखिर में 15 मिनट है आपके पास, आखिर के नहीं उससे पहले, एक और बात बताऊंगा अभी, 15 मिनट आपने उसके लिए रखे, उसमें आप को मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन आपको जाएंगे, बिकॉज या तो आपको आएगा आपको नहीं आएगा, 10 सेकंड में आप टेक मार के निकलते रहोगे। क्योंकि बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आखिरी के 10 मिनट या 15 मिनट आपको ओएमआर शीट में गोला लगाने के लिए भी चाहिए, इसका टाइम भी निकालना है। बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, मॉक टेस्ट को 1.5 घंटे में बनाते हैं और कहते हैं भैया हमारा टाइम पे हो जा रहा है, आपका टाइम पे नहीं हो रहा है। अगर आपको पूरा 1 आवर 30 मिनट लग रहा है एंट्रेंस टेस्ट खत्म करने में, तो आपका टाइम पे नहीं हो पाएगा पेपर, दिस इज द हार्श रियलिटी। मॉक टेस्ट करते हुए 1 घंटा 30 मिनट का टाइमर कोई नहीं लगाएगा, सब 1 घंटा 20 मिनट का टाइमर लगाएंगे, क्योंकि पेपर में 10 से 15 मिनट लगते हैं गोला मारने में, 100 गोले मारने, और गोला ऐसा नहीं है एक बार मार दिया हो गया, वहां बैठ के गोले को भरो, है ना, प्रॉपर भरना है, आधा भरा तो भी नहीं काउंट होगा, ज्यादा भर जाए तो गलत हो जाएगा, प्रॉपर भरना है, 100 बार ऐसा करना है ना, बहुत टाइम लगता है, दैट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। तो जो भी बंदा मॉक टेस्ट, जो मैं सब बच्चों को पता है ना कि मैं मेंबरशिप में पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूं, उन जिनको नहीं पता उन्हें बताता हूं कि मेंबरशिप में पीवाईक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं, और मैं बता रहा हूं कौन सा रिपीट होगा कौन सा नहीं होगा। और अब परसों, कल या परसों मॉक टेस्ट डालने वाला हूं, उस मॉक टेस्ट में से 40% पेपर आ सकता है आपका, मतलब सेम क्वेश्चन उठ के ना आए, वैल्यूज बदल दी जाएगी, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है इस बार पेपर में वो सब मैंने क्रैक कर लिया, लास्ट के सारे पेपर का एनालिसिस कर लिया है और देख लिया है कि चांसेस किसके आने के सबसे ज्यादा है। तो वो मॉक टेस्ट सब लोग जरूर बनाना और टाइमर लगा के बनाना। तो मेंबरशिप अगर नहीं लिया आप जामिया के बच्चों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जाकर जरूर मेंबरशिप लो, 100% लो, सारे पीवाईक्यू जॉब में पहले कर भी रखे हैं, दोबारा मेरे वीडियो के थ्रू करो, क्यों, वहां पर आपको मैं पूरा एनालिसिस दूंगा, सॉल्व करने का बेटर तरीका, ट्रिक सिखाऊंगा जल्दी कैसे करना है, और कौन सा रिपीट होगा कौन सा रिपीट नहीं होगा सब बताऊंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत से पीवाईक्यूज है, सबके कर लेना, सारे कोर्स के कर लेना, ताकि सबका नॉलेज आ जाए, बिकॉज मिक्स होकर आता है ना पेपर में, है ना। तो मॉक्स भी आप मैं प्रोवाइड करूंगा परसों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में उसमें आएगा तो कर लेना, ठीक है। तो एक बार बता दी मैंने आपको बच्चों, एंड का 15 मिनट छोड़ के करना है, पहला की पॉइंट 15 मिनट एंड के छोड़ दो। सेकंड बात कर लेते हैं, जो बचे 1 घंटा 20 मिनट या 15 मिनट बचे, उसमें डिविजन ऐसा रहेगा बच्चों, सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना। अगर आपकी रीजनिंग बहुत गंदी है तो आप पहले इंग्लिश या मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, स्टैटिक जीके एंड के रखना, बिकॉज उसमें कोई दिमाग नहीं लगता, वो खटाखट होने वाली चीजें हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई भी बच्चा, एंड मतलब एकदम एंड नहीं, ओएमआर शीट वाले टाइमर से पहले पहले, बिकॉज वो एंड नहीं है ना, ठीक है। पहले आप या तो रीजनिंग करोगे, रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, क्वांट्स आती तो क्वांट्स कर लो या फिर इंग्लिश कर लो, है ना, बट ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इंग्लिश में भी, बहुत टफ नहीं आता है, ओवरथिंक करके सही को टिक करके फिर गलत करके गलत को टिक मत करना, नहीं करना, कोशिश करना पहले रीजनिंग करो, बड़ी इजी रीजनिंग होती है, डरना मत, रीजनिंग पहले करो, फिर क्वांट्स कर लो, फिर इंग्लिश कर लो, फिर स्टैटिक जीके कर लो, या फिर इंग्लिश और स्टैटिक जीके आगे पीछे भी कर सकते हो, बट स्टैटिक जीके एंड में ठीक रहता है, ठीक है। ये प्रॉपर एक तरीका है कि किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है। और बच्चों स्टैटिक जीके करते करते आप एक चीज कर सकते हो अपने साथ और टाइम बचाने के लिए, कि मान लो हमने हर चीज को टाइमर डिवाइड करना, जब मॉक टेस्ट करोगे अपना टाइम सेट कर लेना, कभी कभी क्या होता है रीजनिंग बहुत टाइम लेने लग जाती है, छोड़ देना, कैसे छोड़ देना भैया, 1 घंटा 20 मिनट है, 4 चीजें करनी, यानी 80 मिनट है करनी है 4 चीजें, डिवाइड ऐसे कर लो कि 20-20 मिनट सबको दे सकते हो आप, या किसी में स्ट्रांग हो तो उसको 15 मिनट, किसी को 25 मिनट कर देना जिसमें वीक हो, ऐसे कर सकते हो, 20-20 में बांट लो। करना क्या है, मान लो करने बैठे
कोचेज बहुत टाइम ले रही है, पेपर में भी ध्यान रखना, मॉक करते हुए बहुत टाइम ले रही है यार, मेरा हो नहीं पाएगा, मेरा मॉक को हमेशा पेपर समझ के किया करो कि मैं पेपर देने बैठा हूं, मेरा टाइम लग रहा है, मेरे 20 मिनट खत्म हुए, मैं इसको अब जो आते क्वेश्चन भी है बचे नहीं करूंगा, मैं अगले सेक्शन पे कूदूंगा, बिकॉज मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ना, एक सेक्शन पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। बंदे क्वांट्स करते हो, गलतियां करते पूरा आधा घंटा 40 मिनट तक क्वांट्स ही बनाते रहते, मैथ्स ही करते रहेंगे, उसमें क्या गलती होती है, आपका मेजर जो आसान चीज थी, जो स्टैटिक जीके इंग्लिश रीजनिंग जो इजी चीज थी, वो आपकी छूट गई बच्चों, वो छूट ही जाएगी। इसीलिए जामिया के पेपर में 90% ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में रीजनिंग और क्वांट्स को रखा जाता ताकि बच्चे वहां टाइम वेस्ट कर लें, है ना, ताकि बच्चे वहां टाइम वेस्ट कर ले, पूरा सो जाए, बट करना उनको ये पहले, लेकिन टाइमर सेट करके कि मैं 20 ही मिनट दूंगा, 20 मिनट तुम हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो मैं जा रहा हूं, मैं अगले एक सेक्शन पे कूद पड़ूंगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, एक फिक्स अमाउंट ऑफ 30 से 35 मिनट आपको इंग्लिश और स्ट्रेटजी को देना पड़ेगा, बिकॉज वो दोनों मिलकर 60 नंबर के आते हैं, है ना, तो उसमें से मेन मार्क्स निकालने हैं ना, तो उसको एंड में करना है और उसके लिए टाइम निकाल लेना। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या रहेगा, एकदम बाप स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कि टाइम डिवाइड करके पेपर करने जाना है, स्लैब बांट के चलो कि मेरे पास आखिरी के 10 मिनट गए मेरे हाथ से, वो तो होने ही होने, एमआरशीट खा जाएगी, है ना, और एक घंटा 20 मिनट बचा, 80 मिनट है, चार चीजें करनी, सबको 20 मिनट दूंगा, या जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको 15, जो वीक है उसको 25 मिनट दूंगा। करना शुरू किया टाइमर स्टार्ट, फटाफट से करना शुरू किया, मेरे 14 मिनट में मेरे अभी 3 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, छोड़ो उन्हें, टाइम खत्म हुआ ना, मैं अब करूंगा नहीं, मैं जा रहा हूं अगले वाले पे, अब मैं जा रहा हूं इंग्लिश पे, अब मैं जा रहा हूं जनरल स्टैटिक जीके पे। ये करना बच्चों, जो आते क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ जाए ना तो बहुत दुख होता है। आप मान लो क्वांट्स पूरी कर ली 20 नंबर की, नंबर तो 20 ही मिलेंगे ना, चाहे 40 मिनट में करो चाहे एक घंटा लगा के करो, स्टैटिक जीके पूरी छूट गई 40 नंबर की, क्या फायदा, तो उसको पहले मत करना, उसे पहले करोगे तो आप ओवरथिंक करता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा तो आप टाइम वेस्ट कर जाते हो, है ना, तो स्टडी जो एंड में छोड़ना, इसलिए क्या है आखिर के 20 मिनट में आराम से हो जाएगी, बिकॉज उसमें आता है या नहीं आता है हो जाएगा, दैट इज नॉट द कंसर्न। तो बात समझे, मेन पॉइंट टाइमर लगा करना है, और सबसे बड़ी बात, घड़ी कोई भूल के मत जाना, कोई घड़ी नहीं लगी होती है रूम में, सबको ये मिसकंसेप्ट रहता है कि जामिया के या फिर किसी भी एंट्रेंसेस में घड़ी लगा के रखेंगे हम टाइम देख लेंगे, नहीं होता, कुछ नहीं होता, टीचर भी बार बार नहीं बताएगा, अपनी घड़ी, लड़का हो या लड़की हो, सब लोग घड़ी पहने जाओगे, और मेटालिक घड़ी भी बहुत ज्यादा मत लेना कि बहुत हाई फाई घड़ी ले ली कि मना ही कर दिया, सिंपल घड़ी, एकदम सिंपल घड़ी लेना कि वो मना ना कर सके, आईफोन वाली घड़ियां जो होती है एकदम हाईटेक वो सब मत ले जाना कि वो चीटिंग पे डाउट करके निकाल ले, एकदम बेसिक सिंपल घड़ी जो टाइम दिखाए, सिर्फ वैसी ले लो, सस्ती सी ले लो, वो लेके जाओ, पर घड़ी मत भूलना बच्चों, पेपर आपका आधा छूट गया अगर आप घड़ी भूल गए तो टाइम पता चलता, छीट लेते हैं शीट, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या मेन चीज फोकस करनी है, जो चीज बहुत इजी है उसे एंड में डालो, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगना, एंड में भी हो जाएगा, प्रेशर में भी गलत नहीं करोगे, स्टैटिक जीके तो याद ही होती है ना, गलत नहीं होगी, क्वांट्स एंड में गलत हो जाएगी, नहीं सॉल्व हो पाएगी, कुछ भी करोगे सॉल्व गलत ही हो जाएगा, तो क्वांट्स को सेकंड रखना, फर्स्ट भी मत रखना, क्वांट्स को फर्स्ट भी मत रखना, बहुत टाइम खाते, अब आपकी बहुत अच्छी है तो रख लो, बट स्टिल मेरा ये है कि बहुत अच्छी भी है तो नहीं, बट हाँ अगर आप अपने दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं 20 ही मिनट दूंगा, एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, तो क्वांट्स को स्टार्ट में रख सकते हो। तो हमारा मेन स्ट्रेटजी क्या रहा, पहले करेंगे हम रीजनिंग, इस बात को नोट कर लो, पहले करनी है रीजनिंग, है ना, देना है उसको 20 मिनट, फिर हमने करनी है क्वांट्स या इंग्लिश, जो भी हमारा पहले मन कर रहा है, हम कर रहे हैं पेपर की रीडिंग तो हम लगा चुके हैं, क्वांट्स या इंग्लिश, फिर हमने करनी है क्वांट्स, एंड में करना है स्टैटिक जीके, हर एक को देना 20 से 25 मिनट या फिर 15 मिनट, जब जो बहुत स्ट्रांग है जल्दी कर सकते हो उसे 15 मिनट में कर दिया। एंड में आपने एक बात और ध्यान रखनी, जब आप स्टैटिक जीके कर रहे हो ना, मेरा मानना ये रहेगा कि स्टैटिक जीके में कुछ बदलना तो होता नहीं है, एक बार मैं आंसर सही है टिक कर दिया, आप साथ में गोले करते हो चलना, फटाफट गोले करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, एमआर शीट खरीद के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक जीके के साथ साथ अगर आप गोले करो ना, आपके 40 गोले लग चुके हैं, अब बचे 60 गोले और आपके 10 मिनट पड़े भी हैं, पहले से हमने टाइम बचा के रखा हुआ है, तो उसमें बचे हुए गोले भी आप लगा लोगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना घर में भी, कि किसी खाली पेज पे गोले बनाया करो आंसर टिक करने का, ताकि गोले की प्रैक्टिस हो जाए, छोटे छोटे गोले बना लिया करो, एमआर शीट का प्रिंट निकाल सकते हो, आराम से उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये प्रॉपर तरीका लगा के अगर अभी से प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप आज से 4 महीने बाद जामिया में मुझसे मिल रहे होंगे, आपको बहुत बेहतरीन वेलकम मिलेगा सीनियर्स के द्वारा, फ्रेशर्स पार्टी आपके लिए रखी जाएगी, बहुत सारे कमाल के इवेंट्स होते हैं, तो यू लव योर कॉलेज लाइफ, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आने वाले हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो अभी थोड़ी सी मेहनत करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, मॉक्स जो मैं मॉक प्रोवाइड कर रहा हूं वो जरूर बनाना, और कहीं से मॉक मिलता है वो भी बना लो,
PYQs को दोबारा बना लो, PYQ पे भी यही करो, PYQ को मॉक समझ लो, PYQs को मॉक समझ लो। मैं जो PYQs है मैं अब अगली वीडियो जो मैं डालूंगा ना मॉक में, उसमें मैं PDF पहले दूंगा, ड्राइव की PDF दूंगा, आपको बनाना है उसको, सबको PDFs मिल जाएंगी जो भी मेरे मेंबर्स है, और PYQs की भी PDF मिल जाएंगी और मेरे मॉक की भी मिल जाएगी सबको। उस PDF को जाकर पहले खुद अटेम्प्ट करना है, बाद में मेरे आंसर देखने, इसलिए जरूर मेंबरशिप लीजिए, कुछ मिस मत करो। अभी ये टाइम है पीक टाइम की, मैं पूरी प्रिपरेशन करा ही दूंगा जामिया एंट्रेंस की। तो ये मेन स्ट्रेटेजी थी बच्चों की, टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम नहीं मैनेज हुआ, पेपर आपका छूटा, तो क्या स्ट्रेटेजी? रीजनिंग, फिर क्वांट्स, इंग्लिश और स्ट्रेटेजी के, ऐसे करना है। एंड में 10 मिनट आपको छोड़ने हैं, किस चीज के लिए? गोला लगाने के लिए, बहुत टाइम वेस्ट करता है, वो MRC का पेपर है। और मेन बात, घड़ी ले जाना मत भूलना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो घड़ी भूल गया वो आधा पेपर अपना घर से खराब करके जा रहा है, ठीक है? टाइम पे पहुंचना सेंटर पे, आधे घंटे घंटे पहले पहुंच जाया करो ताकि आप रिलैक्स कर सको। बहुत भीड़ होती है, इमेंस भीड़, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जाम हो जाता है। एक घंटे पहले पहुंच जाओ सेंटर पे, चाहे वहां बैठना पड़ जाए, है ना, चाहे वहां टाइम वेस्ट करना पड़ता है, बैठ के कुछ ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं। वहां स्ट्रेस मत लेना ज्यादा, लोगों से पूछना उछना मत क्या आएगा, तुमने क्या पढ़ा है, चुपचाप अपना बैठो, कुछ मत देखो, अपना रिलैक्स करो, ज्यादा कुछ स्ट्रेस मत लो। वही आदमी पेपर निकालेगा तो चिल रहेगा। जाकर के क्वेश्चन ट्रिक करते हैं, माइंड के माइंड से खेलते हैं, आपकी लॉजिकल रीजनिंग चेक करते हैं, बेसिकली आप कितना एक्टिव वो पेपर को अटेम्प्ट करते हो वो यही देखता है। तो उसमें ट्रिक नहीं होना है, अपने आपको स्ट्रेस नहीं देना है, रिलैक्स करके पहुंच जाओ एकदम आराम से, ठीक है? एक घंटे पहले पहुंच जाओ, आराम से पेपर दो और रिलैक्स करके वापस एंड में सबमिट करके आ जाओ। फिर उसके बाद आराम से रेस्ट करो, एंजॉय करो। अभी यहां से लेके अगले 10-15 दिन जब भी आपका एंट्रेंस है, मेहनत करना है, दबा के जितने भी PYQs है, जितने भी मॉक्स हैं, सबको एज मॉक टेस्ट बनाना है। जो मैं PYQs मैंने कराए हैं सबका PDF आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा ड्राइव का। सब लोग जाकर उसको मॉक टेस्ट की तरह बनाओ, बार बार बनाओ, प्रैक्टिस करो, जहन में डाल लो कि मेरी घड़ी बंद भी पड़ गई तो मुझे याद होगा अभी 20 मिनट हो गए होंगे, मेरा पेपर का टाइम हो गया है ना बच्चों। तो ये है वो मेन स्ट्रेटेजी की, पहले स्ट्रेटेजी करके टाइम मत वेस्ट करना, और फर्स्ट पे क्वांट्स भी मत करना, या फिर अगर करोगे तो टाइम बांट लेना कि 20 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा भाई तेरे को, तू मेरा पूरा टाइम खा जाता है ना। तो अपना टाइम स्लैब बांट के प्रैक्टिस करना ताकि आपको एकदम याद हो जाए, और बार बार पेपर बनाओगे ना पेपर करने के तरीके भी याद हो जाते हैं। इसलिए गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि मेन तरीका जहां पर बंदे भूल जाते हैं, जामिया एंट्रेंस जहां बच्चों का रह जाता है, वो क्या है? वो यही है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करो, जो भी लोग जामिया एंट्रेंस दे रहे हैं सबको पता होना चाहिए, सारे फ्रेंड्स की हेल्प करो, आप भी अपने मेहनत करो, वो भी अपनी मेहनत करेगा, जो ज्यादा एफर्ट लगाएगा, जो अच्छे से पेपर देगा, जो अच्छे से फॉलो कर रहा है मुझको, वो आराम से एंट्रेंस निकाल भी लेगा, बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपका तरीका गलत है तो आपको टफ लगेगा, तरीका अच्छा है, बांट के प्रॉपर स्ट्रेटेजी साथ करोगे आपको टफ नहीं लगेगा। तो जामिया वालों मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं कि सारे एंट्रेंसेस के लिए, कल से या परसों से आपके सारे एंट्रेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। मिलते हैं 4 मई को जब BBA BCOM का एंट्रेंस होगा, तो हो सकता है मैं वहां पर आऊं भी, आप सबसे पूछूं, आपका थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले लूं, पेपर कैसा गया मुझे बताइएगा, जरूर आइएगा वहां पर, और अच्छे से एंट्रेंस दे देना। ऑल द बेस्ट गाइज, आपको कोई इशू नहीं आएगा, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, पेपर कैसा आता है, क्या आता है, कैसे आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ आपको मैंने दे दिया। कल आपको आपका वो परसों आपको आपका मेन मॉक टेस्ट जिससे सारा पेपर आपका आने वाला है, आपको मेंबर्स ओनली पे मिल जाएगा। जरूर जाकर मेंबरशिप परचेज कीजिए, जस्ट 199 रुपीज, तो कुछ भी नहीं है, 200 रुपए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, तो जरूर उसको कीजिएगा। आज की वीडियो में यही था गाइज, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रिपरेशन चलती रहेगी, यहां से वीडियोस आती रहेंगी, अपडेट्स भी आती रहेंगी, CVT भी देना है तो जरूर जुड़े रहेगा। ओके गाइज, बाय बाय।